हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टर विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके वल्कनाइज्ड रबर की, यानी कि वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आपको दिख जाएंगी मैं नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर, उसके बारे में पढ़िए, उसके बाद आपको ये वीडियो देखिए, तभी आपको चीज समझ में आएगी। आज हम बात करते हैं वल्कनाइज्ड रबर का मतलब क्या होता है, वल्कनाइज्ड रबर होती क्या है, ये सब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, वल्कनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना या फिर उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना, बूस्ट अप करना और चीजों को इंप्रूवमेंट देना उसकी प्रॉपर्टी में। और हम किसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो रबर की करते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वल्कनाइज रबर। वल्कनाइज रबर क्या होती है, ये था हमारी वल्कनाइज रबर। अब देखिए, वल्कनाइज रबर का मतलब क्या है और इसकी प्रोसेस हमने क्यों करी, हमें क्या ये सब की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वल्कनाइज रबर होती है ये हमारी रबर के प्रोसेस में होती है, यानी कि रबर पर हम ये प्रोसेस कराते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, एक ये पर्टिकुलर रबर नहीं है, जैसे कि आपकी सिंथेटिक रबर होती है, नेचुरल रबर होती है, ये रबर नहीं होती है। हम क्या करते हैं, उन्हीं नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर को हम मॉडिफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नीड है, इसलिए हम करते हैं। अपनी डिजायर के अनुसार हम किसी भी रबर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना, उसको हम वल्कनाइजेशन रबर कहते हैं। वल्कनाइज कर रहे हैं हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, हम हीट की प्रेजेंस में करते हैं। किससे करते हैं, ये हमें सल्फर होता है, सल्फर नाम का एक मटेरियल होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट है। हम उस क्या करते हैं, उसको हम हीट के साथ किसी भी रबर को उस रिएक्शन करवाते हैं हीट की प्रेजेंस में। तब हम क्या करते हैं, इस सारी निचा है बेशक वो हमारी नेचुरल रबर हो या सिंथेटिक रबर हो या फिर हमारे रबर जैसे बिहेवियर शो करने वाले और अदर अदर प्लास्टिक एलिमेंट्स हो, उनको हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम इंक्रीज करते हैं, ताकि उनकी प्लास्टिसिटी बढ़ सके, इलास्टिसिटी बढ़ सके, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। इन सब के लिए क्या करते हैं हम, ये इनकी ये वल्कनाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो ये होती है वल्कनाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, किसी भी प्लास्टिक की यानी किसी भी प्लास्टिक की या रबर की, जो रबर की प्रोसेस को या रबर के बिहेवियर को शो कराते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं, बूस्ट करते हैं, इस लेवल से इस लेवल तक लाते हैं। क्यों लाते हैं, हमें डिजायर होती है इस वजह से, उस डिजायर को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन रिएक्शन। वो किसके प्रेजेंस में होती है, सल्फर की प्रेजेंस में होती है, सल्फर से कराई जाती है वो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस में सल्फर के साथ हम जो रिएक्शन कराते हैं उसे हम वल्कनाइजेशन रबर कहते हैं। तो ये था वल्कनाइजेशन रबर का मतलब रियल सेंस। अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्या है, हमें इसे क्यों बनाया, ये क्या है, ऐसा क्यों। देखिए, वल्कनाइजेशन रिएक्शन एक रिएक्शन होती है, हम ऐसा करते हैं कि हमें बहुत सारे काम होते हैं, जहाँ प्लास्टिक, जहाँ लोहा काम नहीं आता वहाँ प्लास्टिक काम आती है, जहाँ प्लास्टिक काम नहीं आता वहाँ रबर काम आती है, और जहाँ रबर काम नहीं आती है वहाँ पे कुछ ऐसी मॉडिफाई रबर काम आती है, शायद ये भी जहाँ काम नहीं है तो आगे और एलिमेंट्स होंगे तो वो भी काम आ सकते हैं। तो क्या करते हैं, हमें एक ऐसे मटेरियल चाहिए होते हैं, हमें ऐसे मटेरियल के प्रोडक्ट बनाने होते हैं जो काफ़ी अच्छे लंबे समय तक टिक सकें और अच्छी प्रोसेस दे सके, चीपेस्ट वे में आ सके और हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म्स तक, और सारी प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर होनी चाहिए जो हमें नीड है। तो इसीलिए हम इसको वल्कनाइज करते हैं, उन चीज़ को प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। तो ये था वल्कनाइज करने का मतलब। अब हमें इसे प्रोसेस क्या, हमें ज़रूरत क्या है, हमें पर्पज़ क्या था इसे बनाने का। देखिए, वल्कनाइजेशन रिएक्शन करवाते किसी रबर की, भले वो सिंथेटिक हो, चाहे वो हमारी सेमी सिंथेटिक हो या फिर हमारे शो करने वाले रबर के बिहेवियर करने वाली अंदर प्लास्टिक हो, हम क्या करते हैं उनमें वल्कनाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, इनकी सल्फर की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं उसकी, जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो जो बना हुआ उसका प्रोडक्ट होता है वो हमारा हीट में मेल्ट नहीं होता, यानी कि अपनी जो डिफॉर्मेशन नहीं करता और कोल्ड में भी अपनी इसके अंदर इसमें डेंट्रिट नहीं आते हैं, वो एकदम स्टे रहता है जैसी इसकी शेप होती है वैसे। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, वल्कनाइजेशन रबर जितनी भी होती है वल्कनाइज प्रोसेस के बाद जो भी रबर होती है, हम उसको जब हीट करते हैं तो वो वैक्सी फॉर्म में थोड़े चिपचिपी हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, लेकिन वो मेल्ट नहीं होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो ये, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसीलिए सिर्फ इसी वजह से इनकी इलास्टिसिटी भी मजबूत होती है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद इन सब की प्रॉपर्टी के बाद इन्हें क्या होता है, इनकी इन सब की प्रॉपर्टी के बाद भी इनकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल होता है बहुत ही कम होता है। तो जब इनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इनके अंदर एटमॉस्फेरिक बिहेवियर भी लेस इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इको फ्रेंडली होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाते हैं और ये कंप्लीटली रिसाइकेबल होते हैं। इसकी प्रोसेस होती है अलग थोड़ी, जैसे जो प्लास्टिकों में रिसाइकिल होती है इसकी थोड़ी अलग प्रोसेस है, लेकिन इसकी रिसाइकिल हो सकती है। लेकिन हाँ, इसकी एक जो हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं वो ये है कि ये जो स्लो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये एक बार बन जाती है तो बहुत लंबे समय बाद ये डिग्रेड होना शुरू होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर इफेक्ट
नहीं पड़ता, इस वजह से पड़ती है। और ये हमारी जो रेजिस होती है इन सबसे हमें इसके इम्पैक्ट से हमें बैरियर करती है, यानी कि हमें रोकती है। इसकी डैमेज सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है, ये अच्छे खासे ड्यूरेबल होती है, टिक सकती है। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी रबर होती है, आपकी नाइट्राइल रबर हो गई, स्टायरीन ब्यूटाडाइन हो गई, और आपकी हमारी सिलिकॉन वाली रबर होगी। ये रबर होती है, यही रबर है जो आपकी नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर होती है, उन्हीं रबर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं इन्हें और अलग अलग पर्पस यूज करने के लिए। तो उनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं सल्फर की प्रेजेंस में, सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वही सब रबर होती है, बस इनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है, इसलिए क्योंकि हमें और मल्टीपर्पज काम करने के लिए जरूरत होती है, और हम चाहते हैं कि हमें चीप भी पड़े, अच्छा भी हो, इस वजह से हम इसको करते हैं। इसके एग्जांपल आपके सोल बनाने में काम आता है, आपके जूतों के सोल्स होते हैं, या आपके टायर्स हो गए, आपकी बाउंसिंग बॉल्स हो गई, टॉयज हो गए, या हॉकी पक्स हो गए, ये सारे के सारे बेसिक एग्जांपल हैं जो आपको नॉर्मल डेली लाइफ में मिल जाते हैं देखने को। तो क्या है, आपके जो बाइक के, साइकिल के टायर, बहुत तरह के टायर बनते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग व्हीकल्स के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट के कई तरह के टायर्स बनते हैं। तो उन सब में क्या है, अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जहाँ हमें नायलॉन के प्रोडक्ट नहीं बन सकते, वहाँ हम ये बन सकते हैं। जहाँ हमें मोर फ्लेक्सिबल या मोर स्टेबल चाहिए तो हम इसके लिए कर सकते हैं। इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देते हैं तो हमें वल्कनाइज रबर की जरूरत होती है। तो वल्कनाइज रबर का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी प्लस उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे या उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर दे, उसे हम वल्कनाइज रिएक्शन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है? सल्फर की प्रेजेंस में होता है। इसकी कोई पर्टिकुलर रबर नहीं होती है, वही जो नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर होती है, उन्हीं रबर को मॉडिफाई कर देते हैं। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये बढ़िया है कि ये अच्छी है, क्या इन दोनों डिफरेंस क्या है। देखिए जो नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर है, वो हमारी हमने बनाई है, करी है, लेकिन जो वल्कनाइज रबर है उसको हम क्या करते हैं, उन्हीं नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर को मॉडिफाई कर देते हैं, तो उनको वल्कनाइज रबर भी कहते हैं। या वल्कनाइज रबर का है, या नेचुरल रबर का है, या सिंथेटिक रबर का, बात एक ही है। बस वल्कनाइज का मतलब यह है कि जब उसको वल्कनाइज रिएक्शन करवा देते हैं तो इसके एक अलग एरिया बन जाता है देखना कि ये वल्कनाइज रबर होती है। लेकिन जब इन्हें डिफ्रेंशिएट करते तो इन्हें अलग पोर्शन में रखा जाता है कि वल्कनाइज रबर थोड़ी एक्स्ट्रा मॉडिफाई होती है, हम इसे कह सकते हैं ओवर स्मार्ट भी कह सकते हैं, मॉडिफाई होती है, थोड़ी अलग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। लेकिन इसका जो बेस है, जहां से ये जनरेट हुई, वो हमारा वही है सिंथेटिक और नेचुरल रबर। तो मेन जो उसका प्रोसेस है वो क्या है, हमारा पूरा सल्फर है, जिसकी वजह से हम इसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। तो ये था हमारा वल्कनाइज रबर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।